आप में से कई लोगों के मन में एक सवाल आता होगा कि अगर तंबाकू से कैंसर होता है तो सरकार तंबाकू के उत्पादन पर बैन क्यों नहीं लगाता है, मतलब कि तंबाकू पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाती है, आखिर ऐसी क्या वजह है कि तंबाकू पर बैन नहीं लगती। आइए दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं। तंबाकू से कैंसर होता है ये तो सभी लोग काफी अच्छे से जानते हैं और मुंह में होने वाले 95% कैंसर तंबाकू की वजह से होता है। तंबाकू की वजह से भारत में हर सेकेंड में एक इंसान की जान चली जाती है और दुनिया में हर साल लाखों करोड़ों लोगों की जान चली जाती है। ये सब जानते हुए भी सरकार इस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाती। हालांकि भारत में तंबाकू को लेकर कुछ कानून जरूर हैं। ऐसे में एंटी स्मोकिंग कानून लागू है और इस कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करते पकड़ा जाता है तो उसे 200 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति तंबाकू से बने उत्पादन नहीं खरीद सकता। किसी भी स्कूल के 10 मीटर के वर्ग के क्षेत्र में तंबाकू उत्पादन को नहीं बेचा जा सकता है और ना ही इसका सेवन कर सकता है। लेकिन यह कानून काफी नहीं है क्योंकि इन कानूनों के बावजूद भारत में तंबाकू का सेवन करने वालों की संख्या काफी तेजी से बढ़ भी रही है। तंबाकू पर प्रतिबंध लगाना इतना आसान नहीं है। हम सभी समझते हैं कि अगर सरकार इन पर प्रतिबंध लगाती है तो ऐसा करने से कई समस्या उत्पन्न हो सकती है। आपको बता दें कि इंडिया तंबाकू उत्पादन में दूसरे नंबर पर आता है, पहले नंबर पर चीन आता है। मतलब भारत में तंबाकू का उत्पादन काफी बड़ी मात्रा में होता है और अगर तंबाकू के उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दी जाए तो लगभग 60 लाख किसानों के साथ करीब 4 से 5 करोड़ लोग बेरोजगार भी हो जाएंगे। और सभी ये बात काफी अच्छे से जानते हैं कि अगर भारत में पहले से ही रोजगार की कितनी समस्या है और ऐसा अगर तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ये बात आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर तंबाकू के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो लोग चोरी छुपे इसे बेचना शुरू कर देंगे, मतलब कि ब्लैक मार्केटिंग के द्वारा तंबाकू को बेचना शुरू कर दिया जाएगा। ऐसा होने से इन उत्पादनों को दोगुनी कीमत पर बेचा जाएगा और इसका पूरा का पूरा पैसा ब्लैक मार्केट वालों की जेब में जाएगा और सरकार को किसी भी तरह का कोई टैक्स भी नहीं मिलेगा, जिससे सरकार को काफी घाटा होगा। आपको बता दें कि सरकार तंबाकू से बने प्रोडक्ट पर अच्छा खासा टैक्स वसूल करती है और अगर इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए तो सरकार को अरबों रुपये का नुकसान होगा। ऐसा होने से GDP भी गिर जाएगी और देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से गड़बड़ा जाएगी। ये वो कुछ मुख्य कारण है जिनकी वजह से सरकार तंबाकू पर प्रतिबंध नहीं लगाती है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली ऑन नोटिफिकेशन वाली बेल को भी प्रेस करें ताकि इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।